दर्ज हो गई है। अब हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि वे कानून को हाथ में न लें और पुलिस का ताउन करें और कायदे कानून के एतबार से जो कुछ भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है FIR दर्ज की जाए और किसी तरीके से भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। वजह इसकी ये है कि जो है बातिल ताकतें ये चाहती हैं कि भी किसी तरीके से माहौल बिगड़े और हम लोगों की गुजारिश ये है कि भाई अपने हक़ के हुसूल के लिए आवाज़ उठाई जाए लेकिन कायदे और कानून में रहते हुए उठाई जाए। इस वजह से ये मसला बहुत अहम है और हमारे ईमान का मसला है। इस वजह से इसमें खामोशी से बैठना वो भी गलत है। हमको कानूनी एतबार से अपने हक़ के हासिल करने के लिए जो सही और जायज़ और कानूनी जो जितनी चीज़ें हैं वो इख्तियार करनी चाहिए, समझे नहीं, और इसके बेहतरीन नतायज इंशाल्लाह जो है साबित होंगे। इस वजह से मेरी गुजारिश तमाम मुसलमानों से ये है कि भाई कानून को हाथ में न ले लेकिन अपनी आवाज़ ज़रूर उठाए और FIR ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज की जाए। इससे ये सबके सामने बात आएगी कि भाई ये मसला कोई सियासी मसला नहीं है बल्कि हमारा अपना मजहबी मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत पूरी इंसानियत के लिए काबिल कदर है और उनकी जो तालीमात हैं वो सारी इंसानियत के लिए है। इस वजह से हिंदू मुस्लिम सबका ये काम है कि वो कायदे और कानून के एतबार से अपनी मजहबी शख्सियत के जो है हैसियत को दागदार ना होने दें और ये एक हमारा दस्तूरी हक है। इस वजह से आज हम यहाँ आए थे और अल्लाह के फ़ज़्लो करम से जो है हमें कामयाबी हासिल हुई और ये चीज़ सभी अज़ला के लोगों को जो है ले लेनी चाहिए कि भाई वो भी अपने अपने हलके में जो है कानूनी एतबार से जो है जाकर FIR दर्ज करें और इस मसले को मामूली ना समझे। लेकिन फिर भी हम आखिर में गुजारिश करते हैं कि भाई अमन आम को बरकरार रखा जाए और पुलिस इनका ताउन अपन करे और अपने हक़ के हासिल करने के लिए आवाज़ उठाए और FIR दर्ज करे। बस यही मेरी सबसे गुजारिश है। सही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज़ाद बोल न्यूज़। सही खबर सही लोगों के लिए।